In this video, we'll talk about list of non-CAT exams, which comes right after your CAT examination. मतलब दिसंबर से चालू होगा, जैन फैब एंड मार्च. सो सबसे पहला जो एग्जाम है वो है सिम्बायोसिस के लिए स्नैप. ठीक है, स्नैप के थ्रू यू विल बी गेटिंग कैंपस लाइक पुणे और उनका फिर बैंगलोर कैंपस है. ठीक है, टॉप कोर्सेज में आपको SIBM है, सेकेंड पे HR के लिए SCHMRD, उसके बाद आपका SIIB, ये तीन कोर्सेज हैं. ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो आएगा TISS एंड CMAT जैन मंथ में. ठीक है, दोनों का सिलेबस एट पार है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल GK का एट पार है. इनफैक्ट TISS में GK ज़्यादा टफ आता है, क्वांट का लेवल ऑलमोस्ट एट पार है. अगर आपने GK प्रिपेयर किया तो दोनों एग्जाम में काम आने वाला है. CET का एग्ज़ाम आएगा आपका इन द मंथ ऑफ मार्च, मिड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम होता है. तो क्वांट, इंग्लिश एंड लॉजिक, ये तीनों सेक्शन के प्रिपरेशन विल हेल्प इन ऑल फोर एग्जाम्स. स्नैप के अंदर भी हेल्प करेगा आपको, CMAT, CET और TISS में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज एग्जाम्स आर डिफरेंट बॉल गेम. हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी अलग होगा. सिलेबस वाइज इट इज सेम, मोर और लेस सेम, कुछ कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होंगे आपके, बट चारों एग्जाम्स को बहुत डिफरेंटली आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, वॉट आइडली वी डू, हम कैट लिख के आते हैं, हमें लगता है कैट की तरह CET भी अटेम्प्ट करेंगे या TISS भी अटेम्प्ट करेंगे, CMAT भी अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, इनफैक्ट एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम. तो आपको स्ट्रैटेजी हर एग्जाम में चेंज करनी पड़ेगी, सेम स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट अप्लाई इन ऑल द एग्जाम. लाइक CET के अंदर आपको भागना है, टाइम नहीं है. CMAT के अंदर आप आधे घंटे की नीट ले सकते हो पेपर खत्म करके, तो CMAT में टाइम ही टाइम है, उसमें एक्यूरेसी डिमांड करती है. और TISS के अंदर आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है, GK अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन भी एग्जाम वाइज वेरी करता है. ओके, सो ये चार एग्जाम तो आप डेफिनेटली लिखो, CMAT, CET, TISS एंड स्नैप. इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि मुझे IFT भी लिखना है तो डेफिनेटली यू यू कैन गो फॉर इट, या तो IPSET IBS कॉलेज के लिए, या तो फिर मैट का एग्जाम लिखना है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. बट हाँ, ये चार एग्जाम तो लिखने चाहिए. इसके बाद NMAT भी लिखना है तो लिखो, बट NMAT का लेवल थोड़ा सा वोकैब वाइज, थोड़ा सा मैथ्स वाइज हायर हो जाता है, तो वो आपको समझना होगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, बट अगर आपने कैट प्रिपेयर किया है तो मैथ्स का लेवल आपने फोड़ा है, मतलब टॉप लेवल पे आपने मैथ्स प्रिपेयर किया है. इनफैक्ट इंग्लिश भी आपने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया है. LRDI का जो लेवल होगा वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है नॉन कैट से. LRDI मोर ऑफ अ केसलेट, मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट पजल या डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो बिफोर यू स्टार्ट योर एनी ऑफ द MBA एंट्रेंस प्रिपरेशन, स्टडी अबाउट द एग्जाम. ये पहला काम करना चाहिए अपने को कि भाई ये एग्जाम लिखूंगा, कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रा कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, एंड मेरा करियर स्कोप क्या है. ये रिसर्च आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना, आधा एक घंटा लगेगा गूगल करने में या यूट्यूब पे वीडियोस देखने में. ठीक है, उसके बाद आप प्रिपरेशन चालू करो. हो सकता है एक दो दिन लगता है तो टेक योर टाइम, बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टिंग इन लैक्स इन टर्म्स ऑफ द फीस. और उसके बाद 2 साल का MBA के बाद अगर जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं है. तो थोड़ा सा एक हफ्ता दो अपने आपको, या दो दिन दो, एक दिन दो, जब भी आपको लग रहा है कि ओके मैंने अभी रिसर्च कर लिया, एग्जाम के बारे में स्टडी कर लिया, मैंने MBA के व्हाई आई वांट टू डू MBA ये क्लियर है, देन गो फॉर इट. बाकी प्रिपरेशन को लेके इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर सेंटर्स बोरीवली वसई दादर एंड थाने, बट इफ़ आर नॉट मुंबई बेस्ड ऑनलाइन लाइव क्लास ऑल्सो यू कैन ज्वाइन. ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. प्रिपेयर योर MBA एंट्रेंस इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वन सीट यू शुड गेट इन बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया, और या तो फिर जो भी स्टेट में आप टारगेट कर रहे हो. ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.